हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं मुदित कुमार इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको नोट जी तो ये ट्यूटोरियल मेरा नोट जी पे है फ्रेंड्स नोट जी क्या है व्हाट इज़ नोट जी एस नोट जी एस ऑन द गूगल वी एट स्क्रिप्ट इंजन देखिए फ्रेंड्स ये गूगल के वी एट स्क्रिप्ट इंजन पे बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा लाइट है फ्री है ओपन सोर्स है एंड फ्रेंड्स ये इस इनक्रोनस पे काम करता है फ्रेंड्स मैंने इस ट्यूटोरियल में पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो मैं आपको इसमें बता सकूं। मोस्ट ऑफ़ द मॉड्यूल्स मैंने इसके अंदर कंप्लीट किए हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर फ्रेंड्स जितने भी मॉड्यूल मैंने इसमें कम्प्लीट किए हैं वो सारे मॉड्यूल मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में हमारे यूज़ होते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमें नोट चाहिए को क्यों यूज़ करना चाहिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स नोट जी इज अ फ्रेमवर्क नोट जेस इज नॉट अ फ्रेमवर्क नॉर अ लैंग्वेज बट अ रन टाइम ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिंग जर स्क्रिप्ट नोट जे फ्रेंड्स फ्रेमवर्क नहीं है तो ये कभी नहीं बोलना हमें कि नोट जेस एक फ्रेमवर्क है ठीक है फ्रेंड वाई वी यूज नोट जे एस नोट जे हमें क्यों यूज करना चाहिए नोट जेस इज़ फ्री मीन्स हम इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं हमें इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं नोट जेस रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म नोट जेस को हम विंडोज़ लीनस और मैक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम इसको रन करा सकते हैं नोट जेस यूज इस इनक्रोनस प्रोग्रामिंग नोट जेस इस इंक्रोनस प्रोग्रामिंग है इसीलिए फास्ट है मीन्स कोई आपने एक क्वेरी चलाई और उस क्वेरी से कोई डेटा आया तो ये वेट नहीं करता है रेस्पॉन्स का तो आगे की जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट कर देता है तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको फ्रेंड्स दिखाऊंगा जब हम आगे कोड करेंगे नोट पे तो मैं आपको इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नोट जी एस रन सिंगल थ्रेड नॉन ब्लॉकिंग जो कि मैंने आपको बता दिया है कि नोट जी एस सिंगल थ्रेड पे काम करता है और नॉन ब्लॉकिंग होता है मीन्स ये रेस्पॉन्स का वेट नहीं करता है वट कैन नोट जेस डू नोट जेस क्या कर सकता है नोट जेस में हम क्या कर सकते हैं नोट जेस कैन क्रिएट जनरेट डायनेमिक पेजेस नोट जेस के थ्रू हम डायनेमिक पेजेस को क्रिएट कर, कर सकते हैं नोट जेस कैन क्रिएट ओपन रीड राइट डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर नोट जेस के अंदर हम फाइल्स को रीड राइट डिलीट कर सकते हैं सर्वर पर नोट जेस कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा फ्रेंड्स नोट जेस के अंदर हम फॉर्म डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम फॉर्म के अंदर डेटा को फिल करेंगे उसको हम गेट कर सकते हैं और उसी डेटा को हम सेव भी करा सकते हैं अपने डेटाबेस में नोट जेस कैन एड डिलीट मॉडिफाइड डेटा इन योर डेटाबेस हम डेटा बेस के अंदर नोट जेस का जो भी हम फॉर्म के अंदर डेटा हमारा आया है वो हम डेटाबेस में सेव करा सकते हैं जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वट वी लर्न इन दिस टूटोरियल इस ट्यूटोरियल में हम क्या सीखेंगे फ्रेंड्स हाउ टू इंस्टॉल नोट जीएस फॉर विंडोज नोट जीएस को हम विंडोज में कैसे इंस्टॉल करते हैं हम ये सीखेंगे इसके अंदर कोर फंडामेंटल सीखेंगे फ्रेंड्स हम कि कैसे हम एक फाइल को सिंपल फाइल को क्रिएट करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे इसको हम रन करेंगे इंक्लूड मॉड्यूल यूजिंग रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मेथड के थ्रू तो हम मॉड्यूल को कैसे इंक्लूड कराएंगे अपने पेजेस पर यूज मेथड लाइक डी आई आर नेम फाइल नेम चेंज स्ट्रिंग टू अपर केस एंड लोअर केस कुछ हम इस तरह के मेथड्स देखेंगे जिससे कि हम अपने स्ट्रिंग्स को लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट कर सकें ये कोर पार्ट में आता है फ्रेंड्स यूज प्रोसेस ऑब्जेक्ट हम प्रोसेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे प्रोसेस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम यूज़र के थ्रू कुछ इनपुट्स कराते हैं और उसी को हम शो भी करा सकते हैं यूज रीड लाइन हम रीड लाइन को यूज़ करेंगे फ्रेंड्स यूज़ मोड्यूल हम यूज़ हम मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे मीन्स हम मॉड्यूल की एक फाइल क्रिएट करेंगे उसमें मल्टीपल फंक्शन होंगे और उन फंक्शन को हम कैसे कॉल कराएंगे उसका तरीका देखेंगे फ्रेंड्स प्लेइंग विद फाइल सिस्टम हम फाइल सिस्टम से खेलेंगे मीन्स फाइल सिस्टम को रीड करेंगे कैसे हम फाइल को क्रिएट करेंगे कैसे हम फाइल को रीड करेंगे कैसे हम फाइल को डिलीट करेंगे या फिर हम डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं डायरेक्टरी को कैसे रिमूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टर का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं तो यही सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे फ्रेंड्स इस पार्ट में हम सीखेंगे यही सारी चीज़ें एस टी टी पी एन पी एम एंड मोर फ्रेंड्स एन पी एम क्या होता है नोट पैकेज मैनेजर जो भी हम मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल करते हैं वो पैकेज में जाके वो उसकी एक डिस्क्रिप्शन सेव हो जाती है कि हमने ये मॉड्यूल इंस्टॉल किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर मॉड्यूल सेव होते हैं और कहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि किस वर्जन का कौन सा मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल्ड है जैसे कि हमने कोई मॉड्यूल आया है हमने उसको इंस्टॉल कर लिया है और उसका कोई अपडेटेड वर्जन आया है तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं पैकेज डॉट हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर वेब सर्वर को कैसे क्रिएट किया जाता है रीड एच टी एम एल फाइल एंड शो द कंटेंट ऑन द पेज हम एच टी एम एल फाइल को कैसे रीड करेंगे और उसको जो भी उसके अंदर कंटेंट है एस के अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम पेज पे कैसे शो कराएंगे ये हम इसके अंदर देखेंगे फ्रेंड्स गेट द जेसन डेटा एंड शो ऑन द पेज जेसन डेटा को हम गेट करेंगे फ्रेंड्स और उसको हम अपने पेज पे शो कराएंगे क्रिएट अ फॉर्म एंड पोस्ट द फॉर्म डेटा एंड शो ऑन द पेज मीन्स हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम जो भी हमें नेम ईमेल और मैसेजेस का एक तरह का हम फॉर्म बनाएंगे फ्रेंड्स और उसके अंदर अपनी एंट्री करेंगे और उसको हम डेटा को गेट करेंगे और वही डेटा हम अपने पेजेस पे शो कराएंगे इंस्टॉल द मॉड्यूल हम एक मॉड्यूल इंस्टॉल यूज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एक्सी और उसका क्या यूज़ है फ्रेंड्स वो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ये जो एक्सी मॉड्यूल है ए पी आई ए पी आई को क्रिएट करने के लिए ए पी आई में यूज़ होता है कि जब हम ए पी आई क्रिएट करते हैं उसके लिए हम एक्सी यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल मॉड्यूल नॉट बॉर्न एंड वाई वी यूज एंड वट इट्स बेनिफिट नोड मैन मॉड्यूल जो है उसका क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स लर्न एक्सप्रेस फ्रेमवर्क हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क करेंगे कि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क होता क्या है उस एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के अंदर हम राउटिंग कैसे कर सकते हैं मीन्स हमें कोई पेज है उसका पाथ देना है तो वो राउटिंग का सेक्शन आता है फ्रेंड्स तो हम इसमें राउटिंग सीखेंगे हाउ क्रिएट राउटिंग पैरामीटर्स एंड हाउ टू गेट द पैरामीटर्स फ्राम यू आर एल हम राउटिंग के अंदर जो पैरामीटर्स हमने दिए हैं उसको हम कैसे यू यू आर एल के यू आर एल के थ्रू गेट करेंगे हम जो भी राउटिंग में हमने पैरामीटर्स दिए हैं वो सारे हम पैरामीटर्स को कैसे गेट करेंगे यही सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे फ्रेंड्स मिडल वेयर क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सबमिटिंग पोस्ट डेटा थ्रू एक्सप्रेस हम पोस्ट डेटा के थ्रू कैसे एक्सप्रेस के थ्रू हम पोस्ट कर सकते हैं अपने डेटा को ये सारी चीजें हम इसके अंदर फ्रेंड्स सीखेंगे यूज डेटाबेस मोंगो डी एंड माई सीक्वल एक्सप्रेस फ्रेमवर्क हम फ्रेंड्स मोंगो और माई जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही हम ये दोनों डेटाबेस पे काम करेंगे मैं दोनों प्रोजेक्ट बनाऊंगा एक मोंगो पे बनाऊंगा और एक माई पे जिससे आपको दोनों क्लियर हो सकें ठीक है फ्रेंड्स फर्स्ट वी लर्न विद मोंगो डी सेकेंड वी लर्न माई इंस्टॉल मोंगो हम सीखेंगे मोंगो डी को कैसे इंस्टॉल करा जाता है हाउ टू कनेक्ट मोंगो डीबी विद एक्सप्रेस एक्सप्रेस के साथ में हम मोंगो डी को कैसे कनेक्ट कर सकें हाउ टू इंसर्ट डेटा हम डेटा को कैसे इंसर्ट कराते हैं हाउ टू गेट द डेटा एंड शो ऑन पेज कैसे हम डेटा को गेट कराएंगे और शो कराएंगे मीन्स हमने डेटा data को डेटा से गेट कराया और फिर उसको हमने शो करा दिया एक अपने पेज पे। हाउ टू अपडेट द डेटा डेटा को हम कैसे अपडेट कराएंगे और हमारा जो डेटा data, डेटा के अंदर सेव है उसको हम डिलीट कैसे करेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि दो टेबल के अंदर ज्वाइंस कैसे किया जाता है फ्रेंड्स ये भी मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको हाउ टू यूज़ मोंगोज मोंगोज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट मॉडल हम मॉडल कैसे बनाते हैं हाउ टू क्रिएट स्कीमा हम स्कीमा कैसे यूज़ करेंगे क्रिएट राउटिंग हम राउटिंग इसके अंदर बनाएंगे हाउ टू इंसर्ट डेटा यूजिंग पोस्ट डेटा हाउ टू फैच डेटा एंड शो द डेटा ऑन अ पेज हम पेज के अंदर कैसे डेटा को शो कराएंगे और फैच कराएंगे हाउ टू अपडेट द डेटा यूजिंग पुत मैथडे फ्रेंड्स हम कोई भी मैथड आपने पुत मैथड के बारे में सुना होगा हम बेसिकली अपडेट यूज करते हैं उसके लिए मीन्स अपडेट के लिए हम पुट मैथड यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्या करते हैं कि पोस्ट मैथड को यूज करते हैं अपडेट के लिए भी बट हम यहाँ पे पुट मैथड का यूज़ करेंगे हाउ टू डिलीट द डेटा हम डेटा को कैसे डिलीट करेंगे फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसके अंदर देखिए हम लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन बनाएंगे जिसके के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ पासपोर्ट पासपोर्ट का क्या यूज़ होता है और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है हम सीखेंगे यूज़ जे डब्ल्यू टी जे डब्ल्यू टी जेसन वेब टोकन हम टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं जे डब्ल्यू टी के थ्रू हाउ टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड इन नोट जी एस यूजिंग बिक्रिप्ट मॉडुल देखिए फ्रेंड्स हम किसी भी पासवर्ड को ऐसे नहीं सेव कराते हैं वन टू थ्री करके हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट करा के ही अपने डेटाबेस में सेव कराते हैं जिससे वो सिक्योर रहे हम रेस्ट ए पी आई पर काम करेंगे फ्रेंड्स कैसे हम रेस्ट के थ्रू किसी भी डेटा को इंसर्ट कराएंगे अपने डेटाबेस के अंदर रेस्ट ए पी आई के थ्रू हम अपने डेटा को कैसे अपडेट कराएंगे गेट द डेटा यूजिंग रेस्ट ए पी आई रेस्ट ए के थ्रू हम डेटा को कैसे गेट करेंगे डिलीट द डेटा यूजिंग रेस्ट ए हम डिलीट कैसे करेंगे रेस्ट ए के थ्रू कोई भी डेटा हमें डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे इसके अंदर हम सीखेंगे फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल रेस्ट ए पी कोई भी आपकी ए जो भी हम क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि वो बिना लॉग के हम उस ए को एक्सेस ना कर सके ये हम इसके अंदर सीखेंगे फ्रेंड्स हम एक टेम्पलेट इंजन यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ्रेंड्स जिसमें कि हम हैंडल बार टेम्पलेट इंजन यूज करेंगे उसको कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है एक्सप्रेस के साथ में ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे फ्रेंड्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन नोट जी हम एक प्रोजेक्ट जो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हम नोट जी के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इन प्रोजेक्ट वी क्रिएट फ्रंट एंड एंड बैक एंड हम बैक एंड और फ्रंट एंड बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ्रेंड्स सेटअप फाइल स्ट्रक्चर फॉर प्रोजेक्ट कि कैसे हमें फाइल स्ट्रक्चर देना है प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारी सी एस एस कहाँ पर रखी जाएगी जी एस कहाँ पर होगी हमारी इमेजेस कहाँ पर होगी ठीक है फ्रेंड्स या हमारे पार्शल्स कहाँ पर होंगे ये सारी चीज़ें मॉडल कहाँ पर हमारा होगा व्यू कहाँ पर होगा हमारा वो उस तरह का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे इसको हमें बनाना है यूज बूस्टैप फोर हम बू स्टैप फोर को यूज़ करेंगे फ्रेंड्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम एक एडमिन पैनल बनाएंगे फ्रेंड्स उसमें हम रजिस्ट्रेशन लॉग इन रखेंगे और जो भी हम पासवर्ड सेव कराएंगे वो एनक्रिप्टेड कराएंगे हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम ऐड अपडेट और डिलीट और व्यू की फीचर्स देंगे फ्रेंड हम एक गैलरी का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे गैलरी के लिए हम एक फंक्शनैलिटी बनाएंगे जिसमें कि हम अपनी गैलरी को ऐड कर सकें अपडेट कर सकें उस गैलरी के अंदर जो कंटेंट डला हुआ है वो देख सकें और उसको डिलीट कर सकें हम एक पेजिनेशन लगाएंगे अपने फ्रेंड्स अपने इसके ऊपर जो भी हम पेजेस बनाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सौ रिकॉर्ड हैं तो सौ रिकॉर्ड हमारे एक ही पेज पे हों हम चाहते हैं पच्चीस पेज हमारे पच्चीस पेज पे एक रिकॉर्ड आए और पच्चीस पे बाकी रिकॉर्ड आए तो पच्चीस पच्चीस के भी कर सकते हैं या पचास पचास के भी कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का दिखाना है अपने पेज पे किस तरह की आपको दिखाना है मीन्स आपको पच्चीस रिकॉर्ड दिखाने हैं या पचास रिकॉर्ड दिखाने हैं अपने पेज पे ठीक है फ्रेंड्स उस तरह का पेजिनेशन हम बनाएंगे शो द रजिस्ट्रेशन यूजर लिस्ट हम यूज़र लिस्ट दिखाएंगे कि जितने भी यूज़र हमारे रजिस्टर हुए हैं वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे और उसी यूज़र को हम एक क्राफ्ट वे में भी दिखाएंगे ठीक है फ्रेंड्स फ्रंट एंड में हम एक लॉग इन रजिस्टर देंगे रजिस्ट्रेशन का पेज बनाएंगे और जिसमें कि यूज़र रजिस्टर करेगा डायनेमिक हम मेन्यू रखेंगे उसके अंदर ये मेन्यू हम पैच कराएंगे जो हम बैक एंड में बनाएंगे मेन्यू क्रिएट होगा वो फ्रंट एंड पे हमारा शो होगा फॉर्म वेलिडेशन पे हम काम करेंगे फ्रेंड्स हम गैलरी शो कराएंगे अपना फ्रंट एंड पे यूजर के लिए एक डैशबोर्ड बनाएंगे और फॉरवर्ड पासवर्ड होगा तो ये सारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स अगर हो सकता है मैं इसके अंदर आपको अगर इसमें एक कार्ट वगैरह की फीचर हुई तो मैं उसके अंदर वो भी बनाऊंगा और उसके अंदर एक पेमेंट गेट पर भी इंटीग्रेट करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो जो भी हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे फ्रेंड्स वो मॉड्यूल्स हम ये यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये सारे मॉड्यूल्स हैं इन सब का अपना अपना यूज है जब जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे हम एक मॉड्यूल को देखते चलेंगे कि कौन सा मॉड्यूल क्या करता है ठीक है फ्रेंड्स ये सारी मॉड्यूल्स की लिस्ट है माई MongoDB मोंगो है मोंगोज है पासपोर्ट है रीलोड है ठीक है फ्रेंड्स इस तरह की हम फंक्शनैलिटी अपने उसमें मॉड्यूल को इंस्टॉल करके अपनी वेब एप्लीकेशन में ला सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर कुछ सेक्शन रह जाएगा यह रह गया होगा फ्रेंड्स मैं उसको अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड करूंगा तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें देखेंगे हम नोट जी को कैसे इंस्टॉल करना है हमें ठीक है फ्रेंड्स